तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में आप सभी लोगों को स्नाइपर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि स्नाइपर्स कहां बनती हैं, किसने बनाई हैं और कब बनाई है और कब कब इनका यूज़ हुआ है और किसकी प्राइस क्या है। तो अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को Win 94 के बारे में बताना चाहूँगा कि Win 94 जो है मैक्सको की बनी हुई है और इसको 1894 में जॉन बोरिंग ने बनाया हुआ है और इसका वेट है 3.1 kg और इसकी प्राइस है $1200 जो कि इंडियन आईआर में 90,000 रुपये आती है। तो चलिए दूसरी स्नाइपर राइफल के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दूसरी स्नाइपर है अपनी कार 98 जो है उसका पूरा नाम है काराबिनर 98 क्रूज जो कि नाजी जर्मनी में बनी हुई है। ये 1935 में मशहूर मैन्युफैक्चर कंपनी ने बनाया हुआ है। इसका जो वेट है 3.5 से 4.5 केजी तक का है और इसकी जो ब्रेथ है 43.7 इंचेस की है। तो उसकी जो प्राइस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। प्राइस की इसकी 1.5 लाख से लेके 2 लाख की इसकी रेंज में प्राइस आती है कार 98 की। तो और ये जो है कार 98 ये बहुत सारे बोरों में यूज की गई है। तीसरी स्नाइपर के बारे में बात करते हैं। तीसरी स्नाइपर है आप सभी लोगों की M24। जैसे कि आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं आज जाओ 2 vs 2 कर लो, M24 कर लो। तो इस M24 के बारे में आप को बताऊंगा। M24 के 3 से 4 वेरिएंट आते हैं। M24 का पहला वेरिएंट जो आता है वो XM24A1 आता है, दूसरा वेरिएंट M24A2 आता है और तीसरा वेरिएंट M24E1 आता है। ये जो गन है वो US में बनती है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई है। इसका मेन रोल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ये 1988 में बना रेमिंगटन आर्म्स ने बनाया हुआ है। इसकी जो रेंज है 700 से 800 मीटर की है और इसका वेट जो है 5.4 केजी है और इसकी जो लेंथ है 43 इंचेस है और इसकी जो स्पीड है वो 790 मीटर प्रति सेकंड है। और आप लोगों को प्राइस के बारे में बताते हैं। इसकी प्राइस है $4000 अर्थात जो मतलब इंडियन करेंसी INR रुपीज़ में होता है वो 3 लाख होता है। और अब हम आपकी चौथी गन के बारे में बताएंगे, सबकी प्यारी राज दुलारी गन के बारे में और इसे बहुत सारे लोग AWM भी बोलते हैं। इस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना चाहूँगा क्योंकि ओम का फुल फॉर्म होता है एक्यूरेसी इंटरनेशनल ओम, इसका पूरा नाम है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और इसका फुल फॉर्म जो है आर्किटेक वॉलफेयर मैग्नम, इसका ये फुल फॉर्म है। ये 1996 में बनाई गई थी ये गन और ये जो कंपनी है जिसने इसको बनाया था एक्यूरेसी इंटरनेशनल कंपनी ने इसको बनाया था और इसकी जो रेंज है 1100 मीटर से 1500 मीटर तक की है इसकी रेंज है। और ये जो गन है वो 1.5 लाख से लेके 35 लाख तक की रेंज में आती है। प्राइस का डाउट है थोड़ा सा, अब आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि गन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। ये मुझे अगले 6 घंटे में मेहनत करके पता चला हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।